पारुल साहू ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भोपाल में छिंदवाड़ा और सागर के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस समय कांग्रेस में खलबली मची हुई है और बड़ी संख्या में कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से पारुल साहू का मोह भंग हो गया है। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय से सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व विधायक पारुल साहू ने कहा कि मैंने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे, वह देश को क्या चलाएंगे। छिंदवाड़ा कांग्रेस से भाजपा में आए अजय सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं असंतोष है, इसीलिए तो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं और इसका जवाब नकुलनाथ खुद दें। कमलनाथ मेरे लिए पिता तुल्य थे और रहेंगे, लेकिन नकुलनाथ की विचारधारा अलग है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि अगर अपने परिवार में आपको भी वापस जाना है तो आप किसी कंडीशन का इंतजार नहीं करेंगे। मुझे जो स्नेह और अपनापन यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिला। और दूसरी बात, मेरे मन में भगवान राम बसे हैं। जब पूरा देश दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहा था, अयोध्या में श्री राम जी के उत्सव में लगे हुए थे, मुझे भी सौभाग्य मिला, मेरे परिवार को भी सौभाग्य मिला, हमने भी उसको उसी तरह मनाया और एक राम दरबार का निर्माण कराया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वो भी स्वीकार नहीं था। जो भगवान के चरणों में नहीं झुक सकते हैं वो देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो ये आइडियोलॉजी मुझे उचित नहीं लगी, इस कारण से मैं इधर वापस आई हूं। देखिए कमलनाथ जी हम सबके लिए सम्माननीय थे, मेरे लिए पिता तुल्य हैं और हमेशा रहेंगे। नकुलनाथ जी की विचारधारा अलग है। उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस छिंदवाड़ा में है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन और विचारहीन हो चुकी है, और उनके जो उनकी एक पूरी टीम काम करती है और उनकी सहमति से जो निर्णय होते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर को साइडलाइन करा जा रहा है, मार्जिनलाइज करा जा रहा है, उपेक्षित रखा जा रहा है और अपमानित भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।